नमस्ते दोस्तों, मैं विश्वजीत आपका स्मार्ट ड्राइव के स्पेशल एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं मैक पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम, जो कि लगी होती है लगभग हर एक कार में, और ये स्पेशल सिस्टम बहुत ही कम कीमत में रिपेयर भी हो जाती है और उसकी लागत भी कम है। ये सिस्टम कैसे काम करती है, ये हम इस व्हील को खोल के डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों, हमने अभी गाड़ी का जो टायर था वो ओपन अप कर लिया है, और आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, हर एक के अलग अलग फंक्शन हैं। और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये समझने के बाद अगर आपको कोई इमरजेंसी भी आती है तो आप थोड़ा क्लैरिटी रखते होंगे आपकी गाड़ी में कौन सा पार्ट खराब हुआ है, और आप सही से जानकारी दे पाएंगे सर्विस सेंटर एडवाइज़र को। आपको देख के पता चल रहा होगा ये कुछ चीज़ें अभी बदल चुकी हैं। मेरी कार अभी 90,000 किलोमीटर हो चुकी है और मैंने अभी ही ये पार्ट्स बदले हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ये स्ट्रट चेंज करने वाला हूँ। तो इस पूरे सिस्टम को कहेंगे मैक पियर्सन स्ट्रट सिस्टम। इसका मेन काम क्या है, मैं दोस्तों आपको क्लियर कर दूँ। पहले तो पूरा लोड कार का उठाना, दूसरा जो भी शॉक्स आते हैं गाड़ी के राइडिंग के टाइम, उसको गाड़ी के बॉडी को यानी कि यहाँ और यहाँ ऊपर ट्रांसफ़र न होने देना। तीसरा मेन काम है इसका टर्निंग। ये देखिए यहाँ पे एक रॉड है, इसको टर्न करने के लिए लेफ्ट या राइट जाने के लिए काम में आएगा। चौथा है आपका ड्राइव घुमाना, ये ड्राइव शाफ्ट है दोस्तों, तो यहाँ से इंजन का पावर टायर को जाता है, ये घूमता है। उसके बाद आएगा स्वे आर्म, इसमें बैलेंसिंग होता है अच्छे से, और इस बैलेंसिंग के ज़रिए आप गाड़ी पलटी ना होने देना, ये सब चीज़ें यहाँ से होके, ये इसको डिस्कस करेंगे हम दोस्तों। उसके बाद ब्रेक्स, तो ब्रेक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें, ये सभी कंपोनेंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो दोस्तों अगर आपको एक सेक्शन पता है, दूसरे को जाना है, तो जंप करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर चैप्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रट की। तो स्ट्रट दोस्तों 1,00,000 किलोमीटर तक ही इसका लाइफ होता है, स्टैंडर्ड लाइफ। तो इसका लाइफ लगभग खत्म हो चुका है। लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग ये आते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजर सस्पेंशन कवर होता है स्प्रिंग से। इसमें बड़े बड़े शॉक, जैसे कि आप कहीं स्पीड ब्रेकर पे बंप लेते हैं तो ये कवर होता है इसमें। और इसके बाद आएगा अंदर वाला पिस्टन वाला सस्पेंशन, तो दोनों कंबाइनिंग में आपके मेजर और माइनर शॉक्स कवर करते हैं। अब दोस्तों दूसरा एक मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बॉडी रोल ओवर नहीं होनी चाहिए, बॉडी का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इससे सिर्फ आपका वज़न मैच होगा, बॉडी अप एंड डाउन नहीं हिलेगी, बट बॉडी का जो मेन सपोर्ट है वो यहाँ पे लोअर आर्म पे है। इस चासी को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कार बॉडी है, ये देखिए हेवी रॉड्स, ये कार का चासी जो आप बोलते हैं ये है, और इसको फ्लुएंटली अटैच है इस सस्पेंशन सिस्टम और टायर सिस्टम का पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोअर आर्म है दोस्तों, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो बम्प्स होते हैं टायर, अगर आप देख सकते हैं ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ और दूसरा कॉन्टैक्ट है यहाँ, ये दो ही कॉन्टैक्ट हैं, बाकी कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा कि गाड़ी का मोमेंट ले रहा है। तो ये जो लोअर आर्म है, यहाँ पे आपको एक बुश और एक सिस्टम दिखाई देगी, इसमें रबर कंपोनेंट है और ये बहुत ही स्टिफ रहता है, और ये टायर की मूवमेंट को कैप्चर करता है डिस्पाइट टायर कहीं भी मूव करे। मैं आपको नीचे से दिखा दूं, इसका सेंटर एकदम बराबर है, तो टायर लेफ्ट जाए या राइट जाए ये इसी जगह पे रहेगा और ऐसे ही गाड़ी को सपोर्ट देते रहेगा। अब बारी आएगी, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों एक अटैचमेंट यहाँ पे है रबर बुश के साथ, ये बहुत ही पावरफुल रबर होस है,
और ये इसका लाइफ भी 1,00,000 किलोमीटर तक ही होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस बोल्ट से इसको कस चुके हैं और यहाँ पे आपको मूवमेंट अगर मिलेगी तो ये रबर बुश जो है यहाँ पे ये डैम्पनिंग करेगा, तो बॉडी तक आपका जो मेन इम्पोर्टेंट शॉक है वो नहीं पहुँचता है। इससे आपको सबसे बढ़िया राइड कम्फर्ट आएगा। ये थोड़ा स्मूथ रहता है दोस्तों, और इस साइड में जो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे और एक बुश दिखेगा आपको। तो ये जो बुश है अभी रफ जो शॉक्स रहते हैं उसको डिफेंड करने के लिए है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार का चासी एंड हो चुका है, मैं आपको ऊपर से दिखा दूं। ये देखिए दोस्तों कार की जो इम्पोर्टेंट चासी है, मेन चासी, बड़ा वेटल वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये सबसे कॉर्नर वाला चीज है, अगर गाड़ी पीछे से उड़ जाती है, पीछे से नीचे चली जाती है, तो इसका मेन रोल रहता है इसको काउंटर अटैक करने का। तो ये है थोड़ा सा रबर बुश, थोड़ा हार्ड वाला, ये रबर मैं फील कर सकता हूँ हार्ड। और यहाँ पे है स्विंगिंग वाला इफेक्ट, जैसे कि थोड़ा भी स्विंग आर्म चेंज होता है, कुछ बाकी चीज़ें होती है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो रबर है थोड़ा सॉफ्ट है, बट इसका 3-डायमेंशनल मूवमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, बट इसका वैसे मूवमेंट नहीं होगा, इसका सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट ही हो रहा है। तो दोस्तों ये जो पार्ट है पूरा स्विंग आर्म, तो ये गाड़ी के टर्निंग के टाइम अगर व्हील इधर उधर हो तो बॉडी को साथ में रखने के लिए ये काम में आएगा। तो दोस्तों ये हम समझ चुके हैं, ये शॉक्स और वर्टिकल लोड पूरा लेने के लिए मेजर काम इसका होता है। और जो साइड वाइज आप मूवमेंट देखते हैं ये फिर कम्फर्ट लेते हैं, तो इसका भी इम्पोर्टेंट काम है। तो दोस्तों मैंने अभी फील किया था कि मेरा टर्निंग के टाइम हैंडलिंग थोड़ा पुअर हो रहा है और गाड़ी बहुत ज़्यादा बज रही है सस्पेंशन जब ऑपरेट हो रहे हैं। तो हमारे सर्विस एडवाइज़र राजशेखर सर ने हमें कहा है कि ये स्विंग आर्म और ये जो बुश है अंदर का, ये भी हम चेंज करने वाले हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पावर ट्रांसमिशन रॉड। जैसे कि आप देख सकते हैं इंजन का पावर का जो मेन रॉड ट्रांसमिशन है यहाँ से आ रहा है, तो ये रॉड पूरा घूमता है दोस्तों, और इससे अंदर एक और एक कपलिंग है, उससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है यहाँ पे, और ये पूरा डिस्क, ये नट्स पूरे घूमते हैं और इसके अनुसार ही टायर भी घूमता है। तो ये पावर देने का काम, जैसे कि आप सभी टर्म समझ चुके होंगे फ्रंट व्हील ड्राइव, तो इससे ही वो डिफाइन होती है, यहाँ तक वो सपोर्ट रॉड आता है और यहाँ से वो घूमेगा और एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। तो इसे कहेंगे दोस्तों फ्रंट व्हील ड्राइव। तो मैक पियर्सन सिस्टम, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी खुली जगह छोड़ता है बीच में, सेंटर में, जिससे कि आप ड्राइव शाफ्ट अच्छे से इसको इंस्टॉल कर सके। तो ये मैक पियर्सन सिस्टम सस्ता भी है और यहाँ से ड्राइव शाफ्ट की सहूलियत भी देता है, इसीलिए सभी कार्स में, लगभग सभी कार्स में मैक पियर्सन सिस्टम ही होता है। एक रॉड है यहाँ पे, एक कपलिंग है और यहाँ वो अटैच हो रहा है मेन हाउसिंग को। तो अब आप देख सकते हैं ये है स्टीयरिंग रॉड। तो स्टीयरिंग रॉड का मेन काम क्या होता है दोस्तों, वहाँ से अगर आप स्टीयरिंग मूव करें तो ये रॉड सिर्फ इस डायरेक्शन में आगे पीछे होगा। तो इसका मेन काम है, अगर ये मेरे साइड आ जाए, कैमरा के साइड आ जाए, तो गाड़ी का ये पार्ट पुश होगा और इवेंचुअली ये टायर जो है हाउस, ये ऐसे घूमेगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी लेफ्ट में घूम जाती है। और अगर ये खींच जाए, मतलब इस साइड चला जाए, कैमरा के दूसरी ओर चला जाए, तो ये खींचेगा और टायर इस साइड घूमेगा, तो गाड़ी राइट साइड को घूम जाएगी। तो ये स्टीयरिंग रॉड का मेन काम है। और ये जो है, अभी स्वे आर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्वे आर्म एक बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है, जिससे कि आपके गाड़ी में अंडर स्टेरिंग, ओवर स्टेरिंग या फिर रोल ओवर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। गाड़ी पलटी होना इससे ही रुकता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इस हाउसिंग से कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टेरिंग रॉड इससे जुड़ा है, अंडर आर्म इससे जुड़ा है,
पावर ड्राइव से जुड़ा है, सस्पेंशन जुड़ा है, बट मेन स्वे आर्म इससे जुड़ा नहीं है, इसलिए हमने इसको लास्ट में डिस्कस किया है। अभी गड़बड़ क्या हुई थी कि यहाँ पे एक बुश था जो आप देख सकते हैं डार्क ब्लैक, तो ये हमने अभी चेंज करवाया है। इसे चेंज करवाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था आवाज़। तो आवाज़ आने का कारण था ये जो रबर हाउसिंग है ये खराब हो चुका था अभी 1,00,000 किलोमीटर और 5 साल के बाद। तो अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे ये कैसे ऑपरेट करता है। यहाँ पे एक वेल्डिंग करके एक स्पेशल सॉकेट यहाँ पे दिया है दोस्तों, और इसका रबर बुशिंग के कनेक्शन से नीचे यहाँ पे और एक कनेक्शन रबर बुशिंग के साथ ही दिया है। तो शॉक्स जो माइनर शॉक्स है वो रबर बुशिंग कवर करेगी, और मेजर जो ट्रांसफ़र देना है लोड का वो यहाँ पे ये आर्म उस सस्पेंशन तक जाएगा दूसरे वाले, तो उस टायर का और इस टायर का डायरेक्ट लिंकेज होगा। तो मान के चलिए ये अंगूठा मेरा ये स्विंग आर्म है और ये दूसरा टायर का, और ये पूरा स्वेबार ऐसे डिज़ाइन होता है। तो अगर मान लीजिए ये एक टायर है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चला जाए तो अपने आप ये भी ऊंचाई पे चला जाएगा। तो इसका डिज़ाइन यहाँ से वैसे दिया हुआ है, और इस दोनों का ये दोनों रॉड ऐसे इंजन पे माउंट किए हुए हैं, इस फ्रेम पे माउंट किए हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर आप ये टायर ज़्यादा ऊंचा चला जाए तो अपने आप ये थोड़ा सा लोड इसको ट्रांसफ़र करेगा, तो दोनों टायर अपने आप इजीली मूव होंगे। बट इसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए होता है, तो इसीलिए इसको इस छोटे से रॉड से ही सेपरेट किया है, इसको मेजर नहीं रखा है। तो ये बहुत ही उम्दा डिज़ाइन है दोस्तों, स्वेबार बहुत ही अच्छे से काम करता है। इससे तीन प्रॉब्लम कवर होते हैं, अंडर स्टीयरिंग, ओवर स्टीयरिंग और रोल ओवर। तो अगर आपके गाड़ी में आपको टर्निंग के टाइम कुछ ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ रही है तो आपका ये कंपोनेंट, ये बुश खराब हो सकता है, तो इसको भी आप हैंडलिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए बदल सकते हैं। तो दोस्तों वापस से एक बार हम रिवाइज कर लेंगे क्या क्या हमने डिस्कस किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा मेन स्ट्रट। स्ट्रट आपको मेन मेजर शॉक्स स्प्रिंग से और माइनर शॉक्स सस्पेंशन डैम्पलर से कवर करता है। उसके बाद आएगा आपका स्विंग आर्म, नीचे का जो स्विंग आर्म है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चासी से एक वर्टिकल मूवमेंट के लिए कवर किया हुआ है और दूसरा 3D मूवमेंट के लिए यहाँ पे। तो कोई भी गाड़ी का टायर कहीं पे भी इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से बॉडी से मैच नहीं होता है, ये हमेशा अलग रहता है बॉडी से। उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे स्टीयरिंग रॉड पे हमने मूवमेंट कैसे करते हैं ये भी डिस्कस किया है। यहाँ पे आएगा आपका ड्राइव शाफ्ट में आपको ये रॉड रोटेट होने के बाद पावर यहाँ पे आएगी और ये चारों बोल्ट्स घूमेंगे, डिस्क भी घूमेगा। उसके बाद आएगा आपका डिस्क ब्रेक या फिर ड्रम ब्रेक, यहाँ पे हमने मेजर ऑफ द कार्स में भी डिस्क ब्रेक ही आते हैं, उसके लिए आएगा यहाँ पे ब्रेक ऑयल का पाइप और पूरे सेक्शन कवर किए हैं हमने। इसके बाद मैंने आपको स्वेबार का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया है, जिसमें कि आप अगर यहाँ पे लोड ट्रांसफ़र हो रहा है तो दूसरे टायर की तरफ भी थोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि इवन ड्राइव आपको अच्छे से मिले। तो दोस्तों ये था पूरा मैक पियर्सन स्ट्रट सिस्टम, और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आप खोलने के बाद आपको कहीं यहाँ लूज दिखे, रबर कट्स दिखे या फिर आपको कहीं ऑयल लीकेज दिखे, तो आपको अब पता है कि कौन सा काम गाड़ी का होने वाला है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड एपिसोड स्मार्ट ड्राइव की तरफ से। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी मैक पियर्सन स्ट्रट सिस्टम के बारे में, और हम बहुत सारे ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, और इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें हम सभी ये पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उसको भी विजिट करना ना भूलिए, smartdrive333.com। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विश्वजीत आप सबसे भी विदा लूँगा।
अगर आप स्टीयरिंग रिलेटेड इशू है तो इसी रॉड पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है या फिर बैलेंसिंग थोड़ी सी आपको टर्निंग के टाइम ख़राब लग रही है तो इस और इसका, और अगर आपको बम्प्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, रफनेस आ रहा है तो फिर इसका प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ये ज़्यादा डैमेज होने की वजह से ऑयल लीक्स भी होते हैं। दोस्तों अगर इसमें आपको ऑयल दिखाई दे कहीं भी तो आप उसी समय इसको चेंज करवा लें, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। अगर ये स्प्रिंग थोड़ा सा और डैमेज हो जाए तो आपकी बॉडी को यहाँ पर डैमेज कर सकता है, जिससे कि इंजन नॉइज़ सपोर्ट नॉइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो बंद नहीं किया है तो मैं और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। ये है स्वे आर्म का सपोर्ट रॉड, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी इसको उंगलियों से हिला सकता हूं। तो नया स्वे आर्म रॉड कभी इतना हल्का नहीं रहता है, ये हमेशा स्टिफ रहता है, और ओवर द लाइफ टाइम अभी ये लूज़ हो चुका है। इसका 1,00,000 किलोमीटर कम्प्लीट होने तक इसने बहुत सारे शॉक्स बियर किए हैं और अब ये लूज़ हो चुका है, इसलिए हमने इसको बदला है। हमने अब डिस्कस किया था राइट साइड, तो यहाँ पे आप देख सकते राइट साइड वाला कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट, जिसे चासिस ख़त्म होने के बाद हमने इंस्टॉल किया था। तो इसमें कभी कभी रबर बुश कड़क हो जाते हैं, इससे भी आवाज़ आती है और राइड कम्फर्ट चला जाता है। और दूसरा यहाँ पर कभी कभी ये थोड़ा सा प्ले आ जाता है इसमें, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है दोस्तों। ये है रबर होस और इसमें मेटल हाउसिंग ऐड किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कट्स आ चुके हैं अभी, ये देखिए, और ये जो कट्स है इसकी वजह से खटखट खटखट की आवाज़ भी आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा स्विंग आर्म। अब बारी है इस मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो कि टायर के हाउसिंग से अटैच होता है दोस्तों, व्हील के हाउसिंग से अटैच होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अगर इसको ट्विस्ट करूँ तो ये अपनी जगह पे आ रहा है। अभी तक ये थोड़ा ठीक ही लग रहा है, बट फिर भी हमने इसको रिप्लेस कर दिया है जिससे कि आवाज़ बंद हो जाए और मुझे अच्छा राइड कंफर्ट मिले। अगली बार हम सस्पेंशन भी चेंज करने वाले हैं, स्ट्रट चेंज करने वाले हैं, और उससे मैक्सिमम कंफर्ट हमको मिलेगा। और जो स्वे आर्म का बुश हमने देखा था तो ये अभी थोड़ा कड़क हो चुका है, इसलिए उन्होंने ये भी चेंज कर दिया है, जिससे कि बिल्कुल फ्रेम का कोई आवाज़ ना आए। तो फ्रेम का अगर आवाज़ आ रहा है, आपको लग रहा है खट 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 ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ये चेंज करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगला एपिसोड देखना ना भूलें।